भारत को अपने मंदिरों और उसकी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि विदेशी सैलानी भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। हर मंदिर की अपनी विशेषता और अपने चमत्कार हैं। आज हम आपको भारत के एक ऐसे ही अनोखे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने प्रसाद के चलते सबसे अलग है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के रतलाम शहर के माँ महालक्ष्मी मंदिर के बारे में, जहाँ प्रसाद के रूप में भक्तों को मिठाई या कुछ खाने वाली चीज़ें नहीं बल्कि सोने चांदी के सिक्के या गहने दिए जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस अनोखे मंदिर के बारे में। माँ महालक्ष्मी के इस मंदिर में साल भर भक्तों की भीड़ रहती है। भक्तजन यहाँ आकर करोड़ों रुपए के जेवर और नगदी माता के चरणों में चढ़ाते हैं। दीपावली के अवसर पर इस मंदिर में धनतेरस से लेकर 5 दिन तक दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस दौरान मंदिर को फूलों से नहीं बल्कि भक्तों द्वारा चढ़ाए गए गहनों और रुपयों से सजाया जाता है। दीपोत्सव के दौरान मंदिर में कुबेर का दरबार लगाया जाता है। इस दौरान यहां आने वाले भक्तों को प्रसाद स्वरूप गहने और रुपए पैसे दिए जाते हैं। दीपावली के दिन इस मंदिर के कपाट 24 घंटे खुले रहते हैं। कहा जाता है कि धनतेरस पर महिला भक्तों को यहां कुबेर की पोटली दी जाती है। यहां आने वाले किसी भी भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता, उन्हें कुछ ना कुछ प्रसाद स्वरूप दिया ही जाता है। मंदिर में गहनों और रुपयों को चढ़ाने की परंपरा दशकों से चली आ रही है। पहले यहाँ के राजा राज्य की समृद्धि के लिए मंदिर में धन आदि चढ़ाते थे और अब भक्त भी यहाँ जेवर पैसे माता के चरणों में चढ़ाने लगे हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से उनके घरों में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।